स्टूडेंट्स सो कंप्लीट कर लें आज हमारे इस चैप्टर को कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स यस टुडे इज द लास्ट लेक्चर फॉर दिस चैप्टर बट इट इज नॉट द कंप्लीशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बिकॉज अभी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट बाकी है दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जिसे एन ने अलग से एक चैप्टर में डिस्कस किया है ठीक है तो आज इसको कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे बट पहले इसको तो कंप्लीट कर लें चलिए देखते हैं तो लास्ट लेक्चर जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें आपको पता है वी वर डिस्कसिंग द स्टेप फाइव दैट इज़ लार्ज स्केल कल्चर ऑफ सेल्स कि जो भी हमने हमारी रिकॉम्बिनेंट सेल्स तैयार की हैं उन सेल्स में से हमें रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाना है बट वो प्रोटीन तभी बनेगा सेल्स में जब सेल्स में जीन खुद को एक्सप्रेस करेगा और सेल्स uh, का लार्ज स्केल कल्चर करना भी ज़रूरी है और वो सारी चीज़ें हमें प्रो, uh, उन सेल्स को प्रोवाइड करेगा कल्चर मीडिया जिसमें कि सारी ऑप्टिमम कंडीशंस होंगी जिससे सेल्स मल्टीप्लाई भी करेंगी और सेल्स के अंदर जो जीन है हमारा रिकॉम्बिनेंट uh, जीन वो खुद को एक्सप्रेस करके प्रोडक्ट भी बनाएगा ठीक है क्लियर तो इसमें हमने कुछ सब हेडिंग्स में इस टॉपिक को डिवाइड किया था हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में समझा था कि कल्चर क्या है क्यों करना होता है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या होती है और किस किस तरह से कल्चर किया जा सकता है दैट इज़ इधर बैच कल्चर जिसको क्लोज सिस्टम कहा जाता है कंटिन्यूस कल्चर जिसे ओपन सिस्टम कहा जाता है और फेड बैच कल्चर ठीक है और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई थी बच्चों की कल्चर के लिए बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन टर्म भी यूज़ होता है ठीक है तो आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है यहाँ पर जब मैं आपको आज बायो रिएक्टर्स पढ़ाऊंगी तो बायो रिएक्टर्स को फर्मेंटर्स भी कहा जाता है तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि फर्मेंटर्स तो हम फर्मेंटेशन टर्म तो हम एनारोबिक के रेफरेंस में यूज़ करते थे तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि क्यों फर्मेंटेशन को यहाँ पर यूज़ किया जाता है ठीक है अगर नहीं देखा है वो लेक्चर मिस हो गया है तो अगेन uh, मैं वही कहूंगी यू हैव टू गो टू दैट लेक्चर ठीक है चलिए तो यहां पर हम नेक्स्ट हमारा ई सब हेडिंग लिख देते हैं लार्ज स्केल लार्ज स्केल कल्चर बाय यूजिंग बायो रिएक्टर्स ठीक है बाय यूजिंग बायो रिएक्टर्स और बायो रिएक्टर्स के लिए हम दूसरा टर्म यूज कर रहे हैं फर्मेंटर्स ठीक है क्लियर फर्मेंटर्स तो हम एनसीआरटी में नहीं है बच्चों बट आपको लिखना है नीट में क्वेश्चंस आते हैं जब कल्चर से रिलेटेड तो वहां पे फेड बैच फर्मेंटेशन बैच फर्मेंटेशन या कंटीन्यूअस फर्मेंटेशन लिखा होता है ठीक है और ये भी ध्यान रखिएगा आप कि जो हमने तीन तरह के कल्चर सिस्टम्स पढ़े थे तो जो भी हमारा लार्ज स्केल प्रोडक्शन है वहाँ तीनों में से कोई भी कल्चर डिजाइन किया जा सकता है बट येस मोस्टली जो हमने कंटिन्यूस कल्चर पढ़ा था वो ज्यादातर यूज किया जाता है क्योंकि तीनों में से मैक्सिमम जो मिलता है वो कंटिन्यूस कल्चर में मिलता है ठीक है क्लियर तो चलिए सबसे पहले बायो रिएक्टर्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं बायो रिएक्टर्स होता क्या है एक्चुअली में हाउ विल यू डिफाइन द बायो रिएक्टर एनसीआरटी में डेफिनेशन गिवन है बच्चों आप ध्यान रखिएगा डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी कभी कभार आ जाते हैं द वेसल्स द वेसल्स या आप कह सकते हैं द स्पेशली डिजाइन वेसल्स द दे आर बायो रिएक्टर्स आर सॉरी बायो रिएक्टर्स में थोड़ा शॉर्ट में करके लिखवाना चाह रही थी आप लोगों को बायो रिएक्टर्स आर स्पेशली डिजाइंड वेसल्स स्पेशली डिजाइंड वेसल्स बड़े बड़े चैम्बर्स होते हैं बच्चों ये जैसे आप लोगों के घरों में जो वाटर टैंक्स होते हैं ना ऊपर अपने रूफ पे वाटर टैंक्स रखे रहते हैं थाउजेंड लीटर या उससे भी ज्यादा कैपेसिटी होती है उनकी तो थाउजेंड लीटर का एक टैंक आप इमेजिन कर लीजिए इतने बड़े बायो रिएक्टर्स होते हैं इंडस्ट्रीज में जिनमें ये कल्चर किया जाता है ठीक है तो बायो रिएक्टर्स आर स्पेशली डिजाइंड वेसल्स इन विच रॉ मटीरियल्स अब सिंपल वर्ड्स में तो आपको पता है कि बायो रिएक्टर में कल्चर करेंगे बट थोड़ा सा एनसीआर ने डेफिनेशन को घुमा कर दिया है ध्यान से देखिएगा ईजी है इन विच रॉ मटीरियल्स आर कन्वर्टेड इंटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स है न जो भी आपने रॉ मटीरियल एड करें उनको यूज करके आपकी होस्ट सेल्स क्या बना रही हैं कुछ प्रोडक्ट्स बना रही हैं आर कन्वर्टेड इंटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और इंडिविजुअल एनजाइम्स और इंडिविजुअल एनजाइम्स ठीक है यूजिंग या कुछ और भी बना सकती हैं एक्सेट्रा यूजिंग कौन बना रहा है इनको आपकी होस्ट सेल्स यूजिंग होस्ट सेल्स और वो होस्ट सेल्स कौन हो सकती हैं बच्चों वो होस्ट सेल्स हो सकती हैं माइक्रोबियल ठीक है microbial, कोई भी यीस्ट की सेल आ गई माइक्रोबियल में बैक्टीरियल सेल्स हो गई हैं या प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स और इवन ह्यूमन सेल्स ऑल्सो ह्यूमन सेल्स का कल्चर भी बायोरिएक्टर्स में करवाया जा सकता है ठीक है क्लियर सो दिस इज द डेफिनेशन गिवेन इन एनसीआर टी बायो रिएक्टर्स क्या हैं दोबारा देख लीजिए दे आर स्पेशली डिजाइंड वेसल्स इन विच रॉ मटीरियल्स हमने रॉ मटीरियल्स एड किए हैं क्या क्या ऐड किया है वो अभी हम देखेंगे उनको कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें मशीन कन्वर्ट नहीं कर रही है सेल्स कन्वर्ट कर रही हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये ठीक है हाँ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म रह गया आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड क्योंकि हम ये समझेंगे कि हमने कोई मशीन है जिसमें हमने रॉ मटेरियल ऐड किया और प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया आँ वो प्रोडक्ट बनाने के लिए आपने होस्ट सेल्स को ऐड किया है होस्ट सेल कल्चर भी कर रही है खुद का नंबर भी बढ़ा रही है और सबस्ट्रेट को यूज़ करके अपने जीन्स को एक्सप्रेस करके प्रोडक्ट्स भी बना रही हैं ठीक है क्लियर तो दिस इज कॉल्ड बायो रिएक्टर देन क्यों हमने बायो रिएक्टर्स को डिज़ाइन किया व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग बायो रिएक्टर स्मॉल स्केल कल्चर ही कर लेते लेबोरेटरी में क्या जरूरत था इंडस्ट्रीज में इतने बड़े बड़े लेवल पर इतना कॉस्ट कॉस्ट कॉस्टली बनाने का इस टेक्निक को क्योंकि जो स्मॉल स्केल कल्चर्स होते हैं उनसे हमें बहुत ही कम अमाउंट मिलेगा बच्चों स्मॉल स्केल कल्चर्स इन लेबोरेटरी प्रोड्यूस प्रोड्यूस लेस अमाउंट ठीक है लेस अमाउंट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट विच इज नॉट एप्रिशिएबल विच इज नॉट एप्रिशिएबल सो बायो रिएक्टर्स आर यूज बायो रिएक्टर्स इन्हें फर्मेंटल भी कहा जाता है बायो रिएक्टर्स आर यूज टू प्रोसेस टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर और कितना लार्ज कर सकते हैं हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर्स कितना हो सकता है इसकी रेंज हंड्रेड टू थाउजेंड लीटर्स जरूरी नहीं है हमेशा थाउजेंड लीटर्स के ही बायो रिएक्टर्स हों हंड्रेड टू थाउजेंड लीटर्स के बीच इनकी रेंज वेरी करती है ठीक है क्लियर सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव टू यूज बायो रिएक्टर्स नोट करिए इसको अपने नोटबुक में इसके बाद हम आते हैं रिएक्टर के डिजाइन पर जिसमें बोर्ड्स में और नीट में क्वेश्चन ले लिया इसका ओके ठीक है नाउ नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव के बाद बच्चों सी है ऑप्टिमम कंडीशंस यस अभी इसके डिजाइन पर जाने से पहले हम एक चीज और देख लेते हैं कि बायो uh, रिएक्टर्स में कौन सी ऑप्टिमम कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं ठीक है ठीके? जो हम हमेशा कह रहे हैं कि सेल्स को कल्चर करने के लिए जरूरी हैं ठीक है ठीके? तो देखिए सबसे पहले uh, जो हमारा बायो रिएक्टर है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है स्टेराइल और एसेप्टिक कंडीशंस कंडीशन समझते हैं ना आप स्टेराइल का मतलब कि जो बायो रिएक्टर जब भी यूज हो रहा है अगर बैच सिस्टम में यूज हो रहा है तो उसकी टाइम टू टाइम क्लीनिंग जरूरी है अगर कंटिन्यूस सिस्टम में यूज हो रहा है ज्यादातर कंटिन्यूस सिस्टम में यूज होते हैं तो भी क्या करना है हमें ध्यान रखना है कि प्रोसेस में कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए जहां पर भी ये किया जा रहा है वहां पर अनडिज़ायर्ड जो सेल्स हैं वो उसमें एंटर नहीं करनी चाहिए अदरवाइज आपका मैक्सिमम जो कल्चर मीडियम है वो अनडिजायर्ड सेल्स यूज़ कर लेंगी और आपको कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा वो प्रोसेस ठीक है ये तो किसी भी टिश्यू कल्चर भी आपने जब पढ़ा होगा एलेवंथ में तो वहां आपने पढ़ा होगा इवन ट्वेल्थ में ही पढ़ा है आपने टिश्यू कल्चर की एसेप्टिक कंडीशंस या स्टेराइल कंडीशंस बहुत ज़रूरी है किसी भी ऐसी जगह जहां आप सेल्स को कल्चर कर रहे हैं ठीक है क्लियर और इवन आपको ध्यान है हमारे बायोटेक्नोलॉजी के दो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या थे फर्स्ट था जेनेटिक uh, इंजीनियरिंग और सेकेंड था बायो प्रोसेस या बायो कैमिकल इंजीनियरिंग बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हमने क्या लिखा था मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशंस ये तो हमारे बायोटेक्नोलॉजी का वैसे ही एक प्रिंसिपल है ठीक है तो स्टेराइल और एसेप्टिक कंडीशंस क्यों हमें ये रखनी है टू अवॉइड टू अवॉइड ग्रोथ ऑफ डिजायर्ड सेल्स ठीक है देन सेकेंड ऑप्टिमम कंडीशन क्या है इसके लिए स्टेरल कंडीशंस के अलावा एरेशन है ना ऑक्सीजन सप्लाई जरूरी है बट ऑब्वियस ऑक्सीजन सप्लाई तभी चाहिए अगर वो एक एरोबिक प्रोसेस है ज्यादातर केसेस में इन केस ऑफ एरोबिक प्रोसेस ठीक है देन थर्ड ज्यादातर केसेस में एरोबिक कल्चर्स ही करवाते हैं हम यहाँ पे तो इसलिए एरेशन बायोरिएक्टर का जब भी डायग्राम बनाते हैं उसमें ऑक्सीजन सप्लाई दिखा ही देते हैं ठीक है देन एरेशन के अलावा स्टेरिंग भी बहुत जरूरी है बच्चों सिस्टम की स्टेरिंग आप समझते हैं ना एगिटेशन ठीक है कॉन्स्टेंट मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन जो भी आपने उसमें कल्चर मीडियम है उसमें बायो रिएक्ट्रस में कुछ इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं जैसे लेबोरेटरी में रॉड से उसको स्टिरिंग कर सकते हैं वैसे बायो रिएक्ट्रस में एक स्टिररर लगा रहता है एक एगिटेटर लगा रहता है जो कंटिन्यूसली घूमता रहता है उसकी वजह से क्या होता है सोल्यूशन की होमोजिनस मिक्सिंग होती रहती है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो बैक्टीरियल कॉलोनीज या जो भी होस्ट सेल्स की कॉलोनीज़ हैं वो जगह जगह इकट्ठे हो जाएंगी और जहाँ से उन्होंने मीडियम यूज़ किया और वहाँ पे प्रोडक्ट बनाया तो वो अब दूसरे जगह का मीडियम नहीं ले पाएंगी जब तक कि होमोजीनस मिक्सिंग उस सोल्यूशन की नहीं होगी तो स्टिरिंग क्यों जरूरी है फॉर होमोजीनस मिक्सिंग फॉर होमोजीनस मिक्सिंग ऑफ सल्यूशन ठीक है क्लियर देन फोर्थ एक होता है एंटी फोमिंग एजेंट्स जब भी हम लार्ज स्केल कल्चर करते हैं तो कुछ एंटी फोमिंग एजेंट्स भी बच्चों ऐड करने पड़ते हैं ये क्या करते हैं एरेशन और स्टरिंग की वजह से कंटिन्यूस ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है कंटिन्यूस चीज घूम रही है तो झाक क्रिएट होंगे फोम्स बनेंगे और फोम सेल्स को डिस्टर्ब करेंगे इंटरप्ट करेंगे मल्टीप्लाई करने में तो उन फोम्स को रिड्यूस करने के लिए कुछ एंटी फोमिंग एजेंट्स भी ऐड किए जाते हैं टू रिड्यूस फोमिंग प्रोड्यूस्ड बाय क्यों हो रही है फोमिंग ड्यूस्ड बाय स्टरिंग एंड एरेशन ठीक है क्लियर एंटी फोर्मिंग एजेंट्स डाल दिए जैसे आप बायोरिएक्टर पड़ेंगे एंटी फोर्मिंग एजेंट्स के साथ आप ब्लेड्स भी लगा सकते हैं स्टिर में ब्लेड्स लगे रहते हैं इनको कहा जाता है फोम ब्रेकर तो जब वो घूमती हैं तो ब्लेड से जब फोम कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ऑटोमेटिकली कट हो जाते हैं ठीक है देन फिफ्थ एक है कूलेंट्स क्योंकि आपको पता है बायो रिएक्टर में कंटिन्यूसली सेल मल्टीप्लाई हो रही हैं मल्टीप्लाई कर रही हैं तो रेस्पिरेट कर रही होंगी और रेस्पिरेशन में हीट जनरेट होती है तो उस हीट के इफेक्ट को कम करने के लिए कूलेंट्स कंडेंसर की फॉर्म में वाटर का सर्कुलेशन होता है बायो रिएक्टर्स के चारों तरफ कूल वाटर होता है जब वो गुजरता है बाहर निकलता है तो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है कंडेंसर का कूलेंट्स का प्रिंसिपल आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं ठीक है तो कूलेंट्स क्या करते हैं टू रिड्यूस टू रिड्यूस हीट जनरेटेड बाय जनरेटेड बाय कंटिन्यूस रेस्पिरेशन इन सेल्स ठीक है रेस्पिरेशन क्यों हो रहा है क्योंकि सेल्स मल्टीप्लाई कर रही हैं उन्हें ए टीपी चाहिए देन सिक्स एंड लास्ट है ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन इन सब के अलावा सेल्स को ग्रो करने के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए ग्रो करने के लिए क्या चाहिए सेल्स को कल्चर मीडिया कल्चर मीडिया में क्या क्या होना चाहिए कल्चर मीडिया में आ, जो आपके सॉल्ट्स हैं विटामिन जो भी सेल्स की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हैं वो ऐड की जाती हैं प्लस पीएच का ध्यान रखना होता है क्योंकि अलग cells, अलग सेल्स अलग अलग बैक्टीरियल सेल्स की बात करें तो अलग अलग पीएच के लिए सेंसिटिव होती हैं ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग बफरिंग एजेंट्स ऐड कर दिए जाते हैं जिससे पीएच कंट्रोल रहे हमेशा या फिर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी जरूरी है वैसे हमने कूलेंट लिख दिया है तो वो टेम्परेचर कंट्रोल ऑलरेडी हो गया है ठीक है तो ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस में क्या क्या आएगा ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस में हो जाएगा बच्चों टेम्परेचर <clears throat> पीएच ये पॉइंट अलग से ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन करके एनसीआरटी में गिवन है ध्यान रखिएगा टेम्परेचर पीएच सॉल्ट देन कल्चर मीडिया कल्चर मीडिया कल्चर मीडिया में सॉल्टिटमिन एक्सेट्रा जो भी शुगर uh, का सोर्स जो भी चाहिए वो होना चाहिए ठीक है ना शुगर एक्सेट्रा क्योंकि शुगर मिलेगी कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे तभी तो रेस्पिरेशन करेंगी सेल्स ठीक है टेम्परेचर पीएच कल्चर मीडिया सोल्ट विटामिन शुगर एक्सेट्रा ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे लिखी दिया है एरेशन में तो दैट इज इंक्लूडेड ठीक है तो दीज आर द ऑप्टिम कंडीशन रिक्वायर्ड इन द बायो रिएक्टर नोटेड डाउन हाँ बच्चों देन ऑप्टिम कंडीशन के बाद नेक्स्ट हेडिंग आप लिखिए इसमें फोर्थ कंपोनेंट्स ऑफ बायो रिएक्टर्स ठीक है किसी भी बायो रिएक्टर में कौन से बेसिक कंपोनेंट्स होने चाहिए वॉट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ बायो रिएक्टर्स या फर्मेंटर्स ठीक है देखें कौन कौन से बेसिक सिस्टम किसी भी बायो रिएक्टर में ज़रूरी है इसके लिए भी हम एक लिस्ट बना लेते हैं सबसे पहले इसके लिए इसमें एक तो होना चाहिए बच्चों क्या पीएच कंट्रोल सिस्टम जैसा कि हमने ऑप्टिमम कंडीशंस में लिखा था कि पीएच को हमेशा कंट्रोल करना ज़रूरी है तो वन शुड बी पी एच कंट्रोल सिस्टम इसके लिए कोई भी बफर एसिड बेस एड करेंगे जिससे पी एच कंट्रोल रहे दैन फिर हमारा उसमें होना चाहिए एगिटेटर सिस्टम ठीक है किसी भी बायो रिएक्टर में एगिटेटर एक रॉड लगा दी जाएगी जिसके हेल्प से जो सल्यूशन है उसकी होमोजिलस मिक्सिंग होती रहेगी ठीक है और क्योंकि एगिटेशन की वजह से फोम क्रिएट होंगे तो उन फोम को ब्रेक करने के लिए वी रिक्वायर अ फोम कंट्रोल सिस्टम ऑल्सो ठीक है यहाँ पर आपको लगेगा कि ये पॉइंट्स थोड़े बहुत जो अभी हमने ऑप्टिमम कंडीशंस पढ़ी उनसे मैच कर रहे हैं बट ये मैं इसलिए लिस्ट आउट कर रही हूँ बिकॉज ये अभी हम डायग्राम जब बनाएंगे ना तो उसमें कोरिलेट करेंगे इन सारे सिस्टम्स को ठीक है तो फोम कंट्रोल सिस्टम हो गया उसके अलावा क्योंकि ज़्यादातर टाइम मैंने आपको कहा बायो रिएक्टर्स में एरोबिक प्रोसेस किया जाता है तो ऑक्सीजन डिलीवरिंग सिस्टम होना भी बहुत ज़रूरी है एंड ध्यान रखिएगा जब भी ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है तो वो ऑक्सीजन जो एयर सप्लाई किया जा रहा है इट मस्ट बी स्टेराइल एयर डायरेक्टली अगर एयर दे दिया तो एयर में तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं अनडिज़ायर्ड कंडीशन उसमें अनडिज़ायर्ड सेल्स उसमें पहुंच जाएंगे और आपकी ए सेप्टिक कंडीशंस इंटरप्ट हो जाएंगी ठीक है ऑक्सीजन डिलीवरिंग सिस्टम उसके अलावा जैसा कि हमने पढ़ा था कूलेंट ऐड किया जाता है तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम जनरली जो बायो रिएक्टर्स होते हैं उनके चारों तरफ एक थर्मल जैकेट लगा दी जाती है जिसमें एक तरफ से पानी जा, जाता है ठंडा पानी और दूसरी तरफ से वो अंदर की हीट एब्जॉर्ब करके गर्म होकर बाहर निकलता है उसी सिस्टम को कहा जाता है टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम और इसके अलावा एक चीज जो एनसीआरटी में और दी है दैट इज सैम्पलिंग पोर्ट सैम्पलिंग पोर्ट क्या होता है ये आपके लिए शायद न्यू टर्म हो पूछ सकते हैं आपसे अलग से कि जो बायो रिएक्टर है उसमें हम ड्रॉ कर देंगे एनसीआर के डायग्राम में शो नहीं किया है उसमें एक पाइप होता है छोटा सा बायो रिएक्टर से निकलता हुआ बंद होता है वो कॉर्क से तो टाइम टू टाइम उसको ओपन करके उसमें थोड़ा सा सैम्पल कलेक्ट कर लिया जाता है कल्चर कलेक्ट कर लिया जाता है टू चेक कि कल्चर सही से हो रहा है या नहीं सेल्स का ठीक है तो बीच बीच में स्मॉल uh, इंटरवल्स पर उसमें से कल्चर को uh, निकाला जाता है ठीक है तो वॉट इज द पर्पज ऑफ सैम्पलिंग पोर्ट इट इज टू कलेक्ट स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर्स टू कलेक्ट स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर्स जो किसी भी बायो रियक्टर के डिजाइन में होने चाहिए अभी हम डिजाइन डिस्कस कर रहे हैं दो तरीके के बायो रियक्टर्स हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों जो एनसीआरटी में गिविन है तो दोनों स्टेर्ड टेंक बायो रिएक्टर उसका नाम क्या लिखा है स्टेड टैंक बायो रियक्टर क्योंकि दोनों टैंक की तरह हैं उनमें स्टिरर लगा हुआ है दैट्स वाई दे आर कॉल्ड स्टिरड टैंक बायो रिएक्टर बस जो बेसिक डिफरेंस होगा दोनों में वो वे ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई का होगा एक में हम डायरेक्टली ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे जबकि एक में बबल्स के साथ प्रेशर के साथ ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे जिसकी वजह से बबल फॉर्मेशन ज्यादा होगा उससे क्या एडवांटेज है दैट वी विल डिस्कस इन द डिज़ाइन ठीक है इसको नोट करिए फिर मैं डिजाइन बायो रिएक्टर का डायग्राम बनाना बता देती हूँ आपको ठीक है बच्चों अब आते हैं हम लास्ट में बायो रिएक्टर के डिजाइन पर आफ्टर डिस्कसिंग द कंपोनेंट्स नाउ फिफ्थ इज डिजाइन और टाइप्स ऑफ बायो रिएक्टर्स ठीक है इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे दोनों के अलग अलग डायग्राम्स एनसीआरटी में दिए हैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पे भी आपके नीट में आ सकता है और बोर्ड्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये डायग्राम बनाने के लिए भी एग्जाम में आ सकता है ठीक है तो जो दो बेसिक बायो रिएक्टर्स आपके कोर्स में हैं जो डिस्कस किए गए हैं वो हैं वन इज सिंपल स्टेड टैंक बायो है ना स्टेड टैंक स्टेड टैंक तो दोनों ही हैं क्योंकि दोनों में स्टेरर होगा जो होमोजेनस मिक्सिंग के लिए है बट एक को सिंपल कहा है और एक का नाम है स्पास्ट स्टेड टैंक बायो रिएक्टर ठीक है आपने ध्यान दिया ना दोनों में स्टेड वर, वर्ड आ रहा है क्योंकि स्टेरर्ड दोनों में लगा है ओके okay? बस एक में जब एयर को हम भेजेंगे तो सिंपल तरीके से भेज रहे हैं और दूसरे में स्पार्ज स्पार्ज मीन्स प्रेशर के साथ भेज रहे हैं जिससे बबल्स क्रिएट हो अंदर जाके और उसकी वजह से यहाँ पर आप देखिएगा ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया बढ़ जाएगा अगर ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी सोल्यूशन में तो सेल्स की ग्रोथ ज़्यादा होगी ठीक है दोनों का डिज़ाइन देख लेते हैं क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं दोनों में सबसे पहले जो सिंपल स्ट्रेट टैंक बायो रिएक्टर होगा बच्चों अच्छा आपकी बुक में जो दोनों के डायग्राम है ना तो स्पार्श को पूरी तरह ड्रॉ नहीं किया बस स्पार्श में सिंपली जो इसमें एडिशनल चीज़ है वो दिखाई है तो बेसिक डिजाइन जो है दोनों का जो 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 इनमें सिस्टम हमने अभी पढ़े वो दोनों में लगभग लग सेम होते हैं तो पहले हम वो इसी के डायग्राम में देख लेते हैं जैसा कि एनसीआर में लिखा है कि ये जो सिंपल स्ट्रेट टैंक बायो रिएक्टर है ये सिलेंड्रिकल होता है शेप में ठीक है और इसका जो बेस है वो नीचे से कर्व्ड होता है ठीक है सो यू हैव टू ड्रॉ वेसल लाइक दिस इज सिलेंड्रिकल और जो बेस है उसको कर्व्ड बनाना है आपको ठीक है इसको हम डबल कर देते हैं ये क्लोज वेसल हो गया ठीक है जिसमें अलग अलग एंट्री और एग्जिट होंगे अलग अलग सिस्टम्स के लिए ठीक है अब इसमें क्या होता है ये जो आपका वेसल है बायो रिएक्टर है सिंपल स्ट्रेट टैंक इसमें हम सारे सिस्टम्स बनाते हैं देखिएगा सबसे पहले मान लीजिए यहां पर एक मिनट इसको हम ये और कर देते हैं ठीक है नाउ यहां हम बनाते हैं एक बफर सिस्टम यहां से बफर की एंट्री होगी बच्चों एसिड या बेस की क्यों फॉर पीएच कंट्रोल ठीक है हमने लिखा था कंपोनेंट्स में बायोरिएक्टर में पीएच कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए तो पीएच कंट्रोल के लिए यहां पर एसिड या बेस को कंटी मतलब ऐड किया जाएगा जिससे कि पीएच कंट्रोल रहे और सेल्स अपना ऑप्टिमम ग्रोथ कर सके ठीक है देन उसके बाद इसमें होगा एक रॉड उस रॉ वो क्योंकि वो रॉड घूमेगी तो कितने प्रेशर से किस तरह वो घूम रही है उसको चेक करने के लिए यहाँ एक मोटर यहाँ पे एक मोटर भी लगी रहती है ठीक है प्रेशर जनरेट करने के लिए और ये हो गई आपकी रॉड ठीक है इस रॉड में आप देखें डायग्राम में ध्यान से तो इस तरह के कुछ फ्लैट ब्लेड्स बनाई हुई हैं ठीक है यही वो ब्लेड्स हैं जिनसे टकराकर सॉल्यूशन की होमोजीनस मिक्सिंग होगी तो ये जो मोटर है और ये जो हैं दीज आर इसको लिखा है फ्लैट ब्लेडेड एम्पेलर थोड़ा टिपिकल सा वर्ड है एम्पेलर यू हैव टू रिमेंबर तो मोटर और जो फ्लैट ब्लेडेड एम्पेलर है बच्चों ये हमारा हुआ एगिटेटर सिस्टम क्यों है ये यहाँ पर इसको complete, इसको पूरी अच्छे से घुमाने के लिए स्टिरिंग के लिए मिक्सिंग के लिए ठीक है एगिटेटर सिस्टम क्यों होता है फॉर स्टिरिंग एंड मिक्सिंग द सल्यूशन ये हम पहले लिख चुके हैं तो यहां मैं डिटेल में नहीं लिख रही हूं सिर्फ मैंने इसका पर्पज लिख दिया स्टिरिंग एंड मिक्सिंग ठीक है नाउ स्टरिंग एंड मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन कल्चर मीडियम क्लियर देन नेक्स्ट जो है आपका अब देखिए ध्यान से इस रॉड में क्योंकि हमने कहा कि जब स्टेरिंग होगी तो उसकी वजह से फोम जनरेट होंगे और फोम क्या करेगा सेल्स को ग्रो नहीं करने देगा प्रॉपरली उसको डिस्टर्ब करेगा तो उसको कट करने के लिए इन्हीं ब्लेड्स के ये जो रॉड है इसमें कुछ इस तरह के शार्प फैन टाइप ब्लेड्स लगी रहती हैं ठीक है इनसे टकराने पर क्या होता है फोम जो जनरेट हो रहा है जो झाग बन रहा है वो कट हो जाते हैं ठीक है तो इसे कहा जाता है फोम ब्रेकर जो आपका थर्ड कंपोनेंट हमने लिखा था फोम कंट्रोल सिस्टम दिस इज द फोम कंट्रोल सिस्टम ठीक है Then, next आता है हमारा इसको हम इसी कलर से लिख देते हैं ओके देन इसमें हमने कल्चर इसमें इसमें हमने पीएच कंट्रोल सिस्टम लगा दिया एगिटेटर है फोम ब्रेक करने का सिस्टम है ऑक्सीजन डिलीवरी भी तो चाहिए क्योंकि ज्यादातर ये एरोबिक प्रोसेस होगा तो इसमें और ऑक्सीजन कैसी होनी चाहिए स्टेराइल तो किसी भी तरफ जरूरी नहीं है जिस तरह से आप इसमें डिजाइन दिखा रहे हैं वैसा ही हो ये मोस्टली मोस्ट डिजाइन है जो कॉमनली यूज होता है ठीक है तो इसमें यहां हम बना देते हैं एक एंट्री ऑफ ऑक्सीजन के लिए चलिए इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं ठीक है ये यहां से क्या एंटर करेगी बच्चों स्टेराइल एयर जिससे कंटिन्यूस ऑक्सीजन सप्लाई हो सके तो ये आपका फोर्थ सिस्टम हो गया ऑक्सीजन डिलीवरिंग सिस्टम कंपोनेंट्स में आपने लिखा था ऑक्सीजन डिलीवरिंग सिस्टम ठीक है देन नाउ ये एयर के लिए हो गया देन अब क्या होगा देखिएगा नेक्स्ट अब क्या बचे हमारे दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें एक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए और एक सैम्पलिंग पॉट हमने और पढ़ा था तो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम एन के डायग्राम में दिखाया नहीं है बट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ कि ये जो बायो रिएक्टर होता है ये अपने चारों तरफ से एक जैकेट से बंद रहता है बच्चों एक जैकेट होता है इसके चारों तरफ ठीक है यहाँ नहीं बना रही हूँ मैं डायरेक्टली सिर्फ इसको थोड़ा सा हल्का सा आइडिया देने के लिए बस आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो बिल्कुल भी ठीक है और इस जैकेट में से वाटर का सर्कुलेशन वाटर का सर्कुलेशन होता रहता है ठीक है और वाटर सर्कुलेट होकर जब बाहर निकलता है तो वो कैसा होके निकलेगा बच्चों हाँ हॉट और जब एंटर किया तो कूल वाटर तो इस जैकेट को कहा जाता है थर्मल जैकेट ठीक है थर्मल जैकेट जिसमें क्या भरा हुआ है बच्चों कूलेंट ठीक है विद कूलेंट क्लियर एक तरफ से कूलेंट एंटर करेगा एक तरफ से हीट एब्जॉर्ब करके बाहर निकलेगा दिस इज द फिफ्थ टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम ठीक है और प्लस साथ में इस बायोरिएक्टर में एक और छोटा सा सैंपलिंग uh, पोर्ट के लिए एक छोटा सा पाइप होता है जिसमें कॉर्क लगा रहता है उसको टाइम टू टाइम खोल के उससे सैंपल कलेक्ट किया जाता है जिसको हम कहते हैं सैंपलिंग पॉट और मैंने आपको बताया था ये चेक करने के लिए कि सेल्स की ग्रोथ प्रॉपर्ली हो रही है या नहीं प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं या नहीं ये इंपॉर्टेंट है सो दिस इज द सैंपलिंग पॉट ये भी एनसीआरटी में डायग्राम में नहीं है थ्योरी में गिवन है ठीक है तो ये सारे इसके सिस्टम्स हुए जो कि एक बेसिक कंपोनेंट्स हुए जो बायो रिएक्टर में होने चाहिए ज़रूरी नहीं इस तरह आप नंबरिंग करें ये सिर्फ मैंने इसलिए किए जिससे आप को रिलेट कर सके कि जो जो कंपोनेंट्स हमने अभी लिस्ट आउट किए थे वो इसमें कहाँ कहाँ हैं और इन सब चीज़ों के अलावा ठीक है इन सब चीज़ों के अलावा और क्या होता है बायो रिएक्टर में बच्चों कल्चर मीडियम तो हो गई उसे तो हम भूल ही नहीं सकते ठीक है यहाँ पर अंदर कल्चर ब्रॉथ होगा ठीक है जिसमें सेल्स ग्रोथ कर रही हैं हमने लिखा था ना ऑप्टिमम कंडीशन में ग्रोथ कंडीशन ठीक है सो दिस इज द कल्चर ग्रोथ यहां लिख देते हैं कल्चर ग्रोथ ग्रोथ मीन्स वही मीडियम कंफ्यूज नहीं होना की कोई नया वर्ड आ गया कल्चर ग्रोथ एंड कल्चर मीडियम इज द सेम थिंग और एक इसमें एक चीज और दिखाई है बच्चों आपको यहां पर ये हमने जैकेट ड्रॉ करा है इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ठीक है यहां पर एक एंट्री uh, दिखाई है स्टीम की ठीक है ये स्टीम क्या करेगा स्टीम क्यों इसमें भेजा जाता है जब कल्चर हो जाता है तो स्टरिलाइजेशन पूरे बायो इलेक्ट्रो को स्टरेलाइज करना पड़ेगा ना दोबारा यूज करने से पहले तो उसके लिए इसमें ऑलरेडी एक पैनल होता है जहां से स्टीम को भेजा जाता है फॉर स्टरिलाइजेशन दिस इज द पाथवे फॉर एंट्रिंग स्टीम फॉर स्टरेलाइजेशन ठीक है क्लियर सो दिस इज अ डिजाइन ऑफ बेसिक सिंपल स्टेडर्ड टैंक बायो रिएक्टर अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस डिज़ाइन को डिज़ाइन को अपने अकॉर्डिंग एनसीआर में ड्रॉ कर सकते हैं ठीक है कन्फ्यूज होने की बिल्कुल भी नीड नहीं है आप इसे अपने अकॉर्डिंग बनाएं बस इसमें लेबलिंग्स जो हैं वो प्रॉपरली होनी चाहिए जिससे आपको ध्यान रहेगा ठीक है क्लियर अब स्पार्ज में क्या डिफरेंस है मैंने आपको क्या कहा है? स्पार्ज का भी जो बेसिक डिज़ाइन है उसमें भी मोटर होगा एगिटेटर सिस्टम ऑक्सीजन डिलीवरिंग फोम ब्रेकर एवरीथिंग विल बी देयर बस कुछ एडिशनल चीज़ क्या होगी कि ये जो एयर की एंट्री होगी ना बच्चों यहाँ पर एक स्पार्जर लगा होगा स्पार्जर मतलब एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होगा जो एयर को कंप्रेस करके भेजेगा एयर को प्रेशर के साथ लिक्विड में भेजेगा और आपको पता है जब भी किसी लिक्विड में एयर प्रेशर के साथ जाती है तो बबल्स क्रिएट करती है और बबल्स क्रिएट करने की वजह से क्या होगा बबल क्या होता है एयर बुलबुला बोलते हैं ना एयर का बबल है वो तो एयर का बबल है तो उसमें ऑक्सीजन है तो अगर बहुत सारे एयर बबल मीडियम में होंगे तो उस एयर बबल के चारों तरफ सेल्स कलेक्ट होंगी और उन्हें बहुत अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी ग्रोथ करने के लिए नो no डाउट ऑक्सीजन इस मीडियम में भी है बट यहाँ पर ऑक्सीजन लिक्विड में ही मिक्स uh, है यहाँ पर बबल की फॉर्म में एयर बबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई जिससे हर बबल के चारों तरफ सेल्स चिपक जाएंगी और मैक्सिमम ग्रोथ करेंगी तो स्पार्ज वाले में सेल्स की जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ी और बढ़ जाती है बाय बिकॉज ऑफ द स्पार्जिंग ठीक है तो अगर आपके एग्जाम में स्पार्श स्ट्रेड टैंक बायो रिएक्टर का डायग्राम आता है तो हाउ विल यू ड्रॉ इट सबसे पहली बात इसका जो बेसिक डिज़ाइन होता है एक तो वो ये थोड़ा ब्रॉड होता है और ये बॉटम जो इसका बॉटम है वो फ्लैट है ठीक है क्लियर ब्रॉडर है और इसको थोड़ा सा हम सही से ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस ठीक है क्लियर और इस डिजाइन की वजह से यहां पर जो लिक्विड है वो इस तरह भरा रहता है ठीक है तो थोड़ा सा यहाँ एयर है और यहां पर लिक्विड है कल्चर मीडियम है ठीक है आपको पता है जब भी कोई ऐसी सरफेस बन जाती है कि यहां एयर है और यहां पर लिक्विड है तो ये एक तरीके से क्या है ये ऑक्सीजन का सरफेस एरिया होगा यहाँ मैक्सिमम ऑक्सीजन होगी जहां पर सेल्स अपनी ग्रोथ कर सकेंगी बट ना सिर्फ यहां पर इस शेप की वजह से बल्कि हम एयर को कैसे भेजेंगे स्पास्ड वे में ये जो स्टेराइल एयर की हम एंट्री करवा रहे हैं देखिएगा यहां पर हमने एयर को कंप्रेस कर दिया ठीक है और फिर एयर प्रेशर के साथ अंदर जा रही है ठीक है प्रेशर के साथ एयर अंदर जा रही है इस वजह से क्या होगा बबल्स क्रिएट होंगे जैसे ही एयर एंटर करेगी दिस इज द एंट्री ऑफ स्टेराइल एयर स्टेराइल कंप्रेस्ड एयर कंप्रेस्ड स्टेराइल एयर है ये ठीक है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे स्पार्जिंग हो रही है दिस इज द स्पार्जर ओके तो ये जो बबल्स हैं ये पूरे सोल्यूशन में हैं यहाँ पर हम एक रॉड भी बना देते हैं क्योंकि वो तो हर बायो रिएक्टर का बेसिक डिज़ाइन है रॉड तो होती ही होती है ठीक है तो ये जो पूरे में बबल्स हैं ये क्या करेंगे बच्चों ये जो बबल्स हैं दे इंक्रीज एनसीआरटी में क्लियरली लिखा है दे इंक्रीज ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया ड्रमेटिकली ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया ड्रमेटिकली बहुत ही तेजी से बहुत ही ज्यादा वे में ये ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया को बढ़ा देंगे क्योंकि मैंने आपको बताया कि बबल जो है इट इज मेड अप ऑफ एयर तो अगर जगह जगह एयर ऑक्सीजन के बबल्स बन जाएंगे तो क्या होगा उनके चारों तरफ सेल्स को और ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी एक तो लिक्विड में मिक्स थी ऑक्सीजन एक बबल्स की फॉर्म में क्रिएट आ गई जितनी ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी उतनी ज्यादा ही सेल्स अपनी ग्रोथ कर पाएंगी ठीक है यहां भी एक लेबलिंग दी है बच्चों आपको कि ये जो है ये जो सरफेस ये जो है ये क्या है यहां पर ऑक्सीजन का सरफेस एरिया बढ़ गया है ये जो इसका शेप है जिसकी वजह से यहां दो इंटरफेस क्रिएट हो गया यहां पे एयर है और यहां पे लिक्विड है तो इट इंक्रीज द ऑक्सीजन सरफेस एरिया ठीक है यहां हम लिख देते हैं इसका जस्ट मिनट इंक्रीज था, राइट इंक्रीज सरफेस एरिया ऐसे करके लिख देते हैं इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर ठीक है क्लियर दोनों डायग्राम्स को मिक्स मत कर दीजिएगा अलग अलग रखिएगा और यहां पर क्या किया हमने यहां पर भी ऑक्सीजन का ट्रांसफर एरिया बढ़ा दिया जिससे क्या होगा जो सेल्स की ग्रोथ है वो मैक्सिमम होगी ठीक है लिख दें हम ड्रामेटिकली इट्स सपोर्ट इट्स सपोर्ट मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ सेल्स क्लियर ठीक है और यहां एक छोटी सी चीज बच्चों, अगर आपने कभी ध्यान से देखी हो तो एनसीआर में ना यहां पर एक इस तरह का एक बबल टाइप बनाया हुआ है और उसके लिए टर्म लिखा है गैस एंट्रेनमेंट ठीक है हालांकि बोर्ड्स में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है बट क्योंकि एनसीआरटी में ये आपको विजिबल तो है ना यस yes. तो क्योंकि एन में ये टर्म दी है गैस एंट्रेनमेंट है ना तो ये क्या है एक्चुअली में आ, ये है ना गैस एंट्रेनमेंट ये इस स्पाश टैंक बायो रिएक्टर का एक डेट्रीमेंटल इफेक्ट है डिसएडवांटेज है इसमें क्या होता है कि क्योंकि एयर स्पार्श वे में अंदर जाती है प्रेशर के साथ अंदर जाती है तो कभी कभार जो बबल्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो कभी कभार जब बबल्स इस सरफेस को क्रॉस करके बाहर निकल रहे होते हैं एग्जिट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जब बबल्स में बबल्स में सेल्स फंसी हुई हैं ठीक है थीके? तो ऊपर जाते वक्त वो फट जाते हैं दे बर्स्ट अपॉन और उनके बर्स्ट होने से जो सेल्स हैं इसके अंदर दे ऑल डाई क्योंकि उनको ऑक्सीजन मिल रही थी उस बबल के अंदर है ना बट अब वो बबल बर्स्ट हो गया तो जितनी ऑक्सीजन उन्हें मिल रही थी वो नहीं मिलेगी तो वो सेल्स भी उसकी वजह से मर जाती है तो ये एक इसका डेट्रीमेंटल है डिसएडवांटेज है आप याद रख सकें तो रख लीजिएगा मे बी क्योंकि एनसीआर में टर्म दी है डायग्राम में मैंने इसके बारे में नहीं लिखा है तो नीट में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो वॉट इज गैस एंट्रीनमेंट यहाँ मैं शॉर्ट में इसको लिख देती हूँ ठीक है इसको थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिएगा इसके लिए जस्ट अ मिनट को यहां ले लेते हैं पहले हम गैस एंट्रेनमेंट क्या होता है ये दिस इज अ डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ गैस स्पार्जिंग इन विच बबल बबल बर्स्ट ड्यूरिंग एग्जिट ठीक है जब वो एग्जिट कर रहा होता है तब बर्स्ट हो जाता है एंड सेल्स में डाई और जो इसमें फंसी हुई सेल्स हैं वो मर जाती हैं ठीक है सो दिस इज द ओनली एक तरह से लिमिटेशन कह सकते हैं आप इस पार्श टैंक रिएक्टर का अदरवाइज इट इज एडवांटेजियस ठीक है क्लियर तो ये आपके दोनों तरह के रिएक्टर्स का डिज़ाइन हुआ इस डायग्राम का आप स्नैपशॉट ले लीजिए यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर नोटबुक ठीक है बच्चों इनपे अलग अलग इंस्टाग्राम से कहीं भी नीट में क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फॉर्मिंग बबल्स इन स्पार्श टैंक तो आपको इस तरह का स्टेटमेंट मिलेगा ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया ठीक है यहाँ पर ये जो शेप इस तरह का है कि दो एक इंटरफेस क्रिएट हो गया एयर और लिक्विड का तो इट इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर ठीक है क्लियर गैस एंट्रेनमेंट पे क्वेश्चन अगर आएगा तो ही आएगा अदरवाइज इसमें से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस सिस्टम का क्या यूज है तो दीज टू डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है लास्ट में हम एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं जिसमें हम लिख देंगे इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है दोनों तरह के बायो रिएक्टर्स में हाँ जी लिखिए क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में सिंपल स्ट्रेट टैंक का शेप क्या था इट इज सिलेंड्रिकल विद विद कर्व्ड बेस ठीक है जबकि इट इज ब्रॉडर इट इज ब्रॉडर विद फ्लैट बॉटम देन इसका जो शेप है इट्स शेप फेसिलिटेट क्योंकि नीचे से कर्व है सिलेंड्रिकल है तो इट्स शेप फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ द मिक्सिंग ऑफ कंटेंट्स जो भी रिएक्टर में कंटेंट्स हैं उनकी मिक्सिंग बहुत ही अच्छे से होता है इन बायो रिएक्टर ठीक है और यहाँ पर जो शेप है इट्स शेप फेसिलिटेट क्या देखा था हमने ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया बढ़ गया था इट्स शेप इंक्रीज लिख देते हैं इट्स शेप हेल्प टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर ठीक है और थर्ड डिफरेंस इसमें स्टेराइल एयर को सिंपली इंट्रोड्यूस किया था स्टेराइल एयर इज इंट्रोड्यूस्ड या डिलीवर्ड 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 विदाउट प्रेशर ठीक है कोई प्रेशर नहीं जनरेट किया जाता है कोई कंप्रेस नहीं किया जाता है और यहां पर स्टेराइल एयर इज स्टेराइल एयर इज डिलीवर्ड बाय स्पार्जिंग ठीक है स्पार्जिंग मीन्स एक तरह से कंप्रेशन प्रेशर के साथ टू जनरेट एयर बबल्स और क्योंकि इसमें एयर बबल्स जनरेट होते हैं तो ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया ज़्यादा होगा तो वहाँ पे सेल्स की ग्रोथ रेट भी ज़्यादा होगी ठीक है कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली स्लो कल्चर ऑफ़ सेल्स वैसे बायो लार्ज स्केल कल्चर है बट हम इससे कंपेयर कर रहे हैं ठीक है स्लो कल्चर ऑफ सेल्स और यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा ज़्यादा होगा इंक्रीज जस्ट अ मिनट वट इज द अप्रोप्रिएट टर्म कंपेरेटिवली स्लो कल्चर ऑफ सेल्स एंड यहाँ रैपिड एंड हाई रैपिड एंड हाई कल्चर बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया बबल्स ने क्या किया था ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया को बढ़ा दिया था ठीक है तो अगर आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है राइट द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू डिज़ाइंस ऑफ रिएक्टर यू हैव टू राइट दिस और अगर नीट में इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको कंपेयर करना है दोनों को कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कोई अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है तो भी आप इस टेबल के बेस पर कर सकते हैं ठीक है डन इसका स्नैपशॉट ले लिया आपने चलिए तो ये हमारा बायो रिएक्टर्स कम्प्लीट हुआ बच्चों ठीक है अब हमारा यानी हमारा जो फिफ्थ स्टेप है बायोटेक्नोलॉजी का हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे कल्चर पढ़ते पढ़ते आप भूल तो नहीं गए चलिए इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इसके जो प्रोसेसिंग की जो टेक्निक्स हैं वो इतनी सारी हैं कि हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हम कहाँ किस चीज़ को कैसे कोरिलेट करें इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने आपको प्रोसेस का एक बहुत अच्छा फ्लो चार्ट बनवाया था जिसमें हमने देखा था कि किस तरह ये सारे स्टेप कोरिलेलेटेड हैं तो अब एक छोटा सा लास्ट स्टेप रह गया है दैट इज़ डाउन प्रोसेसिंग थोड़ा सा पेशेंस रखें तो आप इस लेक्चर को हम कंप्लीट कर देते हैं यहीं पर ठीक है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग और बता देती हूँ मैं आपको उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि आपने ये जो सेल्स को कल्चर किया है ठीक है तो सेल्स अपने अंदर उन प्रोटीन्स को बना रही हैं अब आपको उन प्रोटीन्स को सेल्स से सेपरेट करना है सेल्स ने बना तो लिया उन्हें कल्चर करते वक्त अब आपको उन प्रोटीन्स का सेपरेशन करना है और फिर उनको प्योरीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करके क्योंकि सेपरेशन के वक्त पता नहीं किन किन चीज़ों के साथ मिक्स होकर वो हमें मिली होंगी तो उनको प्योरीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और अगर वो कोई मेडिकली यूज प्रोटीन है है ना तो या जो भी कोई एडिबल चीज़ है तो भी कोई वैक्सीन है कुछ भी है तो उसको कमर्शियल करने से पहले उसके क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे और फिर उसको कमर्शलाइज कर दिया जाएगा बाय एडिंग सम प्रिजर्वेटिव्स बस इस छोटे से प्रोसेस को कहते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग जितना जल्दी मैंने बोल दिया उतना छोटा होता नहीं है बल्कि इट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट क्योंकि यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का स्टेबिलाइजेशन करना है प्रोडक्ट को लॉन्ग टाइम तक कि वो खराब ना हो जाए उसमें प्रिजर्वेटिवस एड करने हैं क्लिनिकल ट्रायल्स देखने हैं पता लगा इतनी मेहनत से कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन किया और उसको मार्केट में कमर्शियल कर दिया और उसने बहुत ज़्यादा अनडिज़ायरेबल इफेक्ट कर दिए तो वो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी इवन इट इज़ अनएथिकल है ना तो इसलिए डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग Uh, पढ़ने में छोटा सा है बट ये है बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट ठीक है तो इसे मैं रब कर देती हूं और फिर हम लिख लेते हैं डाउन प्रोसेसिंग के बारे में चलिए बच्चों तो डाउन प्रोसेसिंग में सबसे पहले आता है हमारा डाउन प्रोसेसिंग में जो थोड़े बहुत स्टेप्स मैंने आपको बताए उन्हें हम लिस्ट आउट कर लेते हैं क्या बोला मैंने आपको व्हाट इज बेसिकली डाउन प्रोसेसिंग अब आपको फाइनली अपना प्रोडक्ट ऑप्टेन करना है बट ये एक सिंपल प्रोसेस नहीं है यहाँ पे कई सारे मेथड्स होते हैं कई सारा लेबर लगता है तब जाके ये प्रोडक्ट हमको सेपरेट और प्योरिफाइड फॉर्म में मिलता है तो सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट स्टेप रहता है दैट इज सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट अभी आपने कल्चर में क्या किया सेल्स को कल्चर कर लिया अब सेल्स के अंदर प्रोडक्ट बन गया हो सकता है सेल्स ने सिक्रीच कर दिया हो सकता है सेल्स के अंदर हो तो वो जो कल्चर मीडियम है उसको फिल्टर करना पड़ेगा उसमें से कुछ लिक्विड पार्ट होगा कुछ सॉलिड पार्ट होगा सॉलिड पार्ट में मोस्टली सेल्स होंगी और जो लिक्विड पार्ट है उसमें वो प्रोडक्ट्स होंगे फिर उसको सेंट्रीफ्यूज भी हो सकता है प्रोडक्ट सेल के अंदर हो तो सेंट्रिफिगेशन भी करना पड़ सकता है ठीक है फिर वो जो प्रोडक्ट आपको मिला है अब उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे एक अकेला डिज़ायर्ड प्रोडक्ट तो होगा नहीं आपको आपको तो हो सकता है डिस्टिलेशन मेथड की हेल्प से आपको उन प्रोडक्ट्स को अलग अलग करना पड़े कोई डेंसिटी बेस्ड सेंट्रीफिकेशन करना पड़े अगेन ठीक है तो क्रोमेटोग्राफी अपने केमिस्ट्री में पढ़े तो बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं बच्चों जिनके हेल्प से ये प्रोसेस किया जाता है बट वो सारी टेक्निक्स हमें कुछ भी डिस्कस नहीं करनी है सिर्फ हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो कैसे किया जाता है बाई यूजिंग वेरियस टेक्निक्स by using various techniques, various techniques like filtration, ठीक है फिल्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा सेंट्रीफ्यूगेशन अगर सेल के अंदर है प्रोडक्ट तो उसे निकालने के लिए सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा बाद में सबको अलग अलग करने के लिए डिस्टिलेशन करना पड़ सकता है हो सकता है कोई कलर बेस्ड क्रोमेटोग्राफी के बेस पर अलग कर सकते हो तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक भी यूज़ की जा सकती है एक्सेट्रा बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं जो यहाँ पर एम्प्लॉय करने पड़ते हैं फॉर डूइंग दिस डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग ठीक है और अभी भी कम्प्लीट नहीं हुआ कभी प्रोडक्ट मिल गया और उसको भेज दो अब जो आपको प्रोडक्ट मिला है उससे आपको स्टेबल मतलब उसे आपको स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना क्या पता थोड़े ही दिनों में कोई ड्रग बनाया कोई एंटीबायोटिक है कोई वैक्सीन है वो डिग्रेड हो जाए तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या करना होगा प्रोडक्ट इज़ प्रोडक्ट इज एडेड विद suitable preservative. प्रोडक्ट इज formulated विद ठीक है प्रोडक्ट इज formulated विद suitable प्रिजर्वेटिव ठीक है ध्यान रखिएगा एनसीआरटी में given है suitable प्रिजर्वेटिव और अब आपने उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड कर दिया है अब पहले क्लिनिकल ट्रायल्स करें कि कहीं उसके कोई अनडिजायरेबल uh, इफेक्ट्स ना हो जाएं जिस पर भी उसे यूज किया जा रहा है तो नाउ सच फॉर्मुलेशन ये जो फॉर्मुलेशन हमने बनाए हैं सच फॉर्मुलेश सच फॉर्मुलेशन हैजू अंडर गो क्लिनिकल ट्रायल्स ठीक है क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे क्लिनिकल ट्रायल्स की अलग अलग फेजेस होती हैं वो आपको नहीं पढ़नी है एनिमल्स पे फिर लास्ट में ह्यूमेंस पे भी होती हैं ठीक है वॉलेंट्री ह्यूम उसमें होते हैं वो वॉलंटरीली सिलेक्ट किए जाते हैं उनकी इच्छा से ठीक है और फिर फाइनली जब क्लिनिकल ट्रायल कन्फर्म हो जाता है कि भाई हाँ तो उसके बाद एक स्टेप और करना पड़ता है क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग कि कहीं ये इसका क्वालिटी भी चेक करना पड़ता है कि ये कि अपने स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर भी रहा है या नहीं ठीक है तो जो क्लिनिकल ट्रायल्स जब कर लेते हैं उन फॉर्मुलेशन का तो उसके बाद क्या होता है आफ्टर डूइंग क्लिनिकल ट्रायल्स स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग ध्यान रखिएगा ठीक है स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल ये स्ट्रिक्ट वे में होती है स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग ठीक है इज डन और ये इसमें भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं बच्चों एनसीईआरटी में लिखा है इट वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट तो आपको उसकी डिटेल में नहीं जाना है और जब इतना सब हो जाता है तब जाके उस प्रोडक्ट का कमर्शलाइजेशन किया जाता है एंड देन फाइनली कमर्शलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट ठीक है तो ये सब आपका जो रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ठीक है तो ये सब इस तरह से हमारी रिकॉम्बिनेंट डी एन ए टेक्नोलॉजी कम्प्लीट हुई ठीक है ये जो लास्ट स्टेप्स आपने पढ़े इनको कहा जाता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग वैसे है ये बहुत लंबा टॉपिक डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में अगर आप टेक्निक्स पढ़ने जाएं तो आर डी एन ए टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा ये ठीक है एंड अगेन इट इज़ वेरी चैलेंजिंग पार्ट ऑफ दिस टेक्निक क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट को सेपरेट और प्योरीफाई करना उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करना उसके अनडिज़ायरेबल इफेक्ट्स को स्टडी करना कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करना इट इज़ नॉट सो ईजी ठीक है क्लियर इसका भी आप लोग स्नैपशॉट ले लीजिए यू हैव टू नोट डाउन इट इन योर नोटबुक्स ठीक है तो कंग्रेचुलेशन ये हमने हमारा चैप्टर कंप्लीट किया दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेजेस ठीक है अब आप लोगों की जिम्मेदारी है मैंने अपना पार्ट कंप्लीट कर दिया है और मैं मान के चल रही हूँ आपको मुझे प्रॉमिस करना है कि आप लोग इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार दोबारा पढ़ेंगे रिवाइज करेंगे और इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ठीक है क्लियर प्रॉमिस तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टिल देन कीप रिवाइजिंग बेस्ट ऑफ लक